वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन का एक और एग्जांपल जिसका नाम है मैन वॉल्फ गॉड कैबेज प्रॉब्लम। लेकिन इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। यहाँ पे मैन वॉल्फ गॉड कैबेज प्रॉब्लम या किसी भी प्रॉब्लम के अंदर सबसे ज़रूरी जो बात होती है वो ये होती है कि आपके कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। कंस्ट्रेंट का मतलब ये कि आपको किस तरह से काम करना है। यहाँ पे हर प्रॉब्लम की शुरुआत में आपको कुछ एक पाबंदियां, कुछ एक लिमिटेशंस जो बता दी जाती हैं, उस लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना रहता है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर यहाँ पे एक नदी है बीच में, और नदी के एक किनारे पे चार चीज़ें रखी हुई हैं। चार चीज़ें मतलब एक मैन, एक बंदा है वहाँ पे, एक भेड़िया, एक वुल्फ है वहाँ पे, एक बकरी है वहाँ पे, और एक कैबेज रखा हुआ है। अब जाहिर सी बात है ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये कुछ इस तरह से है कि कैबेज जो है उसको कौन खा लेगा, उसको गोट खा लेगा। गोट जो है उसको खतरा किससे, वुल्फ से। लेकिन इसमें कंस्टेंट एक ये भी है कि अगर वहां पे मैन मौजूद है तो कोई भी किसी भी को भी नहीं खा पाएगा। यहाँ पे इस प्रॉब्लम का जो कंस्टेंट है वो यही है कि यहाँ पे ये तीनों चीजें जो है, मतलब जैसे कैबेज को खतरा है गोट से, गोट को खतरा है वुल्फ से, लेकिन अगर एक बंदा वहां मौजूद है, मैन मौजूद है, तो उसकी मौजूदगी में कोई भी किसी को भी हार्म नहीं पहुंचा पाएगा, खा नहीं पाएगा। तो इस प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहली चीज जो है आपको ध्यान में जो रखनी है वो ये कि इसके कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। हमेशा हर प्रॉब्लम के अंदर उसके कंस्ट्रेंट जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए कि कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है। दूसरा, इसमें एक कंस्ट्रेंट और है, वो ये कि एक टाइम में उस बोट के अंदर, एक नाव है उस बोट के अंदर सिर्फ दो लोग बैठ सकते हैं। और आप ये सब जानते ही होंगे कि उस नाव को ऑपरेट करना ना गोट के बस की है, ना वॉल्फ के बस की, और कैबेज के तो बिल्कुल नहीं। तो सिर्फ मैन जो है वही ऑपरेट कर सकता है। इसको हम समझने के लिए एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन लेके चलते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे ये चारों जो हैं वो एक जगह पे खड़े हुए हैं, और ये आपका इनिशियल स्टेट है। ये आपकी इनिशियल स्टेट है जहाँ पे नदी के एक छोर पे ये चारों हैं और दूसरे छोर पे इनको पहुँचना है। सबसे पहले हम गोट को लेके जाएंगे, और ये मैन है ये गोट को अपने साथ बिठा के और नदी के उस पार तक लेके जाएगा। फिर ये मैन इस बोट को वापस लेके आएगा, उसके बाद अपने साथ इसको कैबेज रखेगा और कैबेज रख के चला जाएगा। अब इन दिस केस अगर उसने कैबेज यहाँ छोड़ दिया और खुद चला गया तो कैबेज को नुकसान हो सकता है, क्योंकि बकरी उस कैबेज को खा लेगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि वो कैबेज को वहाँ छोड़ के बकरी को बिठाएगा अपने साथ और उस बोट से लेकर के आएगा। यहाँ पे अगर उसने बकरी को छोड़ दिया वुल्फ के साथ तो अगेन खतरा है, तो इसलिए वो बकरी को छोड़ेगा और वुल्फ को बिठाएगा अपने साथ। वुल्फ को बिठाने के बाद वो वापस आएगा नदी के दूसरे छोर पे और वुल्फ को कैबेज के साथ रख देगा। अब वुल्फ को कैबेज के साथ रख के जैसे वो हटा तो कैबेज को कोई नुकसान नहीं है वुल्फ से, ये कंस्टेंट है हमारा, क्योंकि यहाँ पे जो नुकसान था गोट को नुकसान है वुल्फ से, कैबेज को कोई भी नहीं है। वो अगले राउंड में जाएगा और जाने के बाद बकरी को लेगा और बकरी को लेके सक्सेसफुली पहुंच जाएगा। ये जो अभी फाइनल रिजल्टेंट दिख रहा है ये आपका फाइनल गोल स्टेट है, और यही है मैन वॉल्फ गोट कैबेज प्रॉब्लम। बट ये तो हुआ पिक्चर रिप्रेजेंटेशन। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से देखें, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है MWGC, MWGC, 5, जो MWGC है ये नदी का एक छोर है और दूसरी जो छोर पे क्या है 5, 5 मतलब नल वैल्यू, कुछ नहीं। मैं समझ रहा हूँ इस बात को कि यहाँ पे ये इनिशियल स्टेट है, इसका मतलब आप पिक्चराइज कर सकते हैं कि इसका फाइनल स्टेट क्या आएगा, 5 MWGC, ये इसका फाइनल स्टेट होगा। हमेशा मैं कोई भी प्रॉब्लम पढ़ाता हूँ तो उसके लिए ये बोलता हूँ आपसे कि हमेशा गोल स्टेट को अपने दिमाग में इसकी एक पिक्चर रखिए। खैर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इनिशियल स्टेट MWGC है और फाइनल स्टेट जो है वो MWGC नदी की उस तरफ है। मैंने इसको स्टेट ट्रांजिशन समझाने की कोशिश करी। खैर, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है कि मैन जो है इस गोट को बिठा के अपने साथ लेके जाए, और अपने साथ जब वो लेके जाएगा नदी के उस छोर पे तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा, एक तरफ होगा आपका वुल्फ और कैबेज और दूसरी तरफ होगा मैन और गोट, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड ऑप्शन ये है कि मैन वापस आए और वापस आने के बाद नदी के दूसरे छोर पर पहुंचे,
अब यहां से एक बात और सामने आती है कि जरूरी नहीं है कि जो मैंने सॉल्यूशन दिया वही सॉल्यूशन है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, वही सब आपका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं है। लॉजिकली आप इसमें अपने सॉल्यूशन भी बना सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पे या तो मैन जो है वो वुल्फ को लेके आ जाए, या तो मैन जो है वो कैबेज को लेके आ जाए। अगर मान लीजिए वो कैबेज को लेके चला तो वुल्फ अकेला बचेगा, अगर मान लीजिए वो वुल्फ को लेके चला तो कैबेज अकेला बचेगा, और मान लीजिए अगर कैबेज को लेके चला तो वुल्फ अकेला बचेगा। और यहां पे जब वो रिटर्न करेगा, अगर मान लीजिए उसने जैसे दूसरा वाला है जिसके अंदर कैबेज अकेला छूटा हुआ है, उसमें वो वहां पे अगर उसने मैन ने वहां से हटा तो वुल्फ जो है वो गोट को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन वो अपने साथ गोट को लेके आएगा। वहीं दूसरे ऑप्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो दूसरे ऑप्शन के अंदर जहां पे वुल्फ रखा हुआ है, वुल्फ है वहां पे एक तरफ और दूसरी तरफ मैन गोट और कैबेज है, अगर वो वहां से हटा तो शायद गोट कैबेज को नुकसान पहुंचाते तो वहां से वो गोट को लेके आ जाएगा। मैं दोनों ऑप्शन इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिर्फ दो ऑप्शन पढ़ा रहा हूँ, आप इसमें मल्टीपल ऑप्शन के भी आंसर पूछ सकते हैं। अल्टीमेटली हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि आपको सिर्फ यहां तक पहुंचना है, वो आप कैसे भी पहुंचो, प्लस कंस्ट्रेंट जो है वो आपके सेटिस्फाई होने चाहिए। कंस्ट्रेंट कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंस्ट्रेंट को आपने फॉलो नहीं करा या एक साथ नाव में चारों चीजों को बिठा के ले चले, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए इन दोनों ऑप्शंस का जो आखिरी रिजल्टेंट है वो ये है कि अगर आप लेफ्ट वाला ऑप्शन देखेंगे, अगर जिसके अंदर आप गोट को लेके आए, मतलब जिसको आपने कैबेज को अकेला छोड़ा था और उसके बाद आप वहां से आप वो गोट को लेके आप वापस चले, तो आपका ऑप्शन बनेगा MGC, W। यहां से आप किसको लेके चलेंगे, यहां से आप कैबेज को लेके चलेंगे और अल्टीमेटली गोट जो बचेगा एक एंड पे बचेगा, और गोट को फिर फाइनली आप रिजल्टेंट में प्रूफ कर देंगे कि गोट उसके बाद फिर वो लेने आएगा गोट को, और आखिरी चक्कर में गोट लेके चला जाएगा। अगर आप राइट वाला सबट्री देखेंगे, राइट वाला सबट्री के अंदर जिसमें मैं वॉल्फ को अकेला छोड़ के गया था, उसमें वो वहां पे कैबेज को रख के नहीं निकला, अगर कैबेज को रख के निकलता तो गोट नुकसान पहुंचाते, तो गोट को साथ बिठा लिया उसने, और गोट को साथ निकाल के वो अल्टीमेटली आए उसी रास्ते पे जिस रास्ते पे गोट को अकेला छोड़ना था, और वुल्फ को बिठा के वो कैबेज तक लेके आए, और फाइनली एक चक्कर उसने और लगाया जिसमें वो गोट को लेके फाइनल तक पहुंच गया, और फाइनल आंसर आपका जो है वो ये प्रूफ हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और अगर आप इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप दोनों ऑप्शंस में से कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, बस फर्क इतना है कि आपको कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होने चाहिए और दूसरे नंबर पे आपका गोल स्टेट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। यही है मैन वुल्फ गोट कैबेज प्रॉब्लम जो कि हम यूज करते हैं स्टेट स्पेस ट्रांजिशन स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन को समझाने के लिए, जिसमें अलग अलग तरह की स्टेट्स बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं आप डायग्राम के अंदर के अलग अलग तरह की स्टेट्स हैं, और वो अलग अलग तरह की स्टेट्स अलग अलग तरह की अवस्था समझा रही है, लेकिन हर एक स्टेट के अंदर मैंने कभी भी कंस्ट्रेंट को नहीं भूला। कंस्ट्रेंट विल रिमेन द सेम थ्रू आउट द प्रॉब्लम, हमेशा पूरी प्रॉब्लम के अंदर कंस्ट्रेंट जो होगा वो एक जैसा बना रहेगा। ये है मैन वुल्फ गोट कैबेज प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।